वाराणसी में 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की रैली को सफल बनाने हेतु खजूरी स्थित मनीष चौबे के कैंप कार्यालय पर सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया। इसमें मुख्य अतिथि राजेश तिवारी छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख सतीश चौबे, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, मनीष चौबे, मयंक चौबे, विनीत चौबे सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। माला पहना के आप लोग स्वागत। सहयोग को बढ़ाने के लिए अरविंद चंदे, सुशील पांडे, फसाद हुसैन बाबू जी, सुशील आशीष पाठक जी, पीयूष पधियार जी, रमेश कनौजिया जी, प्यारेलाल गुप्ता जी, जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, सरगला कम है चंदन पटेल जी। आज सर हमारे वार्ड 18 के अध्यक्ष है चंदन पटेल जी, तो पारिया इनके सौजन्य से। दूसरा नाम हाँ, ये अभिनव पिता की सुभद्रा देवी जी, आप तो निर्मला जी, सभापति जी। आयोजन रहेगा 10 तारीख को, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं यहाँ पे, किस तरीके का यहाँ से आगाज रहेगा पीएम के संसदीय क्षेत्र से? चूंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूरे देश के लोगों को ऐसा विश्वास था कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति कर रहे हैं, और उसमें भी नरेंद्र मोदी जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बनारस की दयनीय स्थिति जो देखने को मिल रही है कि विकास शून्य है और जिस प्रकार से अपराधीकरण पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये जो 10 तारीख को प्रियंका जी की जो रैली होने वाली है वो किसानों की समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को, बेरोजगार साथियों को, महंगाई को, कोरोना की वजह से जो लाखों लोग जो बेमौत मारे गए, जिनको दवाइयाँ नहीं मिलती, जो पीड़ित हुए हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई, ये सारे विषयों को लेकर जो है प्रियंका गांधी जो है रैली में सक्रिय रूप से करेंगी। और यहाँ इस रैली का से पूरा संदेश हो, खाली उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जाएगा कि प्रियंका गांधी जो है एक सशक्त नेतृत्व जो उभर के सामने आए हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उनको जो है बहुत उम्मीद भरे नज़रों से देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे आज बेसिक शिक्षा मंत्री आए हुए थे, उनका दावा था कि शिक्षा का ग्राफ यहाँ पे काफ़ी बढ़ा हुआ है, योगी सरकार में काफ़ी उन्नति हुई है सरकारी विद्यालयों की, और नो एडमिशन के बोर्ड भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बात तो किसी से छुपा नहीं है कि कितनी जर्जर स्थिति जो है यहाँ के स्कूलों की है, शिक्षक वहाँ पे कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, वहाँ पे लोगों बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, लोगों को किताबें नहीं मिली है, शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो है बेहतर तरीके से जानते हैं। तो चूँकि हम हमेशा इन लोग की भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को जो के माध्यम से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे यहाँ पे? जैसे प्रियंका जी को यहाँ पर रोका गया, बघेल जी को रोका गया एयरपोर्ट पे, लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी इनका रहता है कि कानून की व्यवस्था बहुत टाइट है। देखिए ऐसी से आप समझ जाइए कि जहाँ पे जब जनप्रतिनिधियों को कहीं पे जाने से अपने दुख व्यक्त करने के लिए जाने से रोका जाए, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, वो नेताओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री के जो हैं उनके आह्वान पे, उनके भाषण से उद्वेलित होकर, और उन्होंने एक प्रकार से किसानों को चैलेंज किया था, और उसके बाद उनके बेटे जो इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके जो लौट रहे थे उनके उनको गाड़ियों से जो कुचलने का जो काम किया, अपराधियों को